हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सबका स्वागत है और मीना खातून के ब्लॉग में। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और आज है मिजला रोजा और हम लोगों ने सहरी की तैयारी कर ली है और हमारी चाय आ रही है उबाल। और जो है आज हमारा दूध भी फट चुका है, हमने दूसरा दूध मंगाया जल्दी जल्दी। ये देखिए चाय और ये बट फट गया है दूध। और अभी हमने थैलियाँ मंगाई हैं दूसरी। ये देखिए ये सब कर रहे हैं सैरी और मैं भी करने जा रही हूँ सैरी। ये देखो भयान का जो करता है देखो। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। ये बन गई है हमारे फटे हुए दूध की खीच और हम लोग खाएंगे इसे, बहुत टेस्टी बनी है। ये देखो क्या ये सब अब पी रहे हैं चाय। भी है। ये देखो गाइस, आज हमारी गली में शादी थी पहले और डांस के लिए आए किन्नर। हॉस्पिटल और मेरी अचानक ही कुछ दिक्कत, फिर कैंसर जैसी होने लगी है तो मुझे इमरजेंसी में आना पड़ा है धर्मशिला हॉस्पिटल। और मैं अंदर अभी जाऊंगी हॉस्पिटल, मेरा 1:20 पे अपॉइंटमेंट है और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। धर्मशिला हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा रोल्स चेंज हो चुके हैं गाइस। ये रहा डॉक्टर पूजा का कमरा। गाइस मेरा नंबर डॉक्टर पूजा कुल्लर के आ चुका है और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर पूजा के पास। और डॉक्टर पूजा जो है मेरा बताएंगी कि मुझे क्या दिक्कत हो गई है। गाइस आज हम आए हैं अपने डॉक्टर पूजा मैम के पास। आज मेरा रूटीन चेकअप था और मुझे थोड़ी सी जो है इमरजेंसी हो गई थी तो मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। ये रही हमारी डॉक्टर पूजा। ये मेरी डॉक्टर मैम हैं, डॉक्टर पूजा कुल्लर मैम। इन्होंने मेरा प्रॉपर इलाज किया है और अल्लाह के हुक्म से मैं ठीक भी हो गई हूँ।
और अभी मेरा तुम ठीक रहोगी, तुम ठीक ही रहोगी। मैम बस दुआ है मैम आपकी, और आपने जितना करा है मैं बता नहीं सकती। तुम ठीक ही रहोगी, तुम ठीक हो, ठीक रहोगी जी मैम। और ये हमारे सर है। गाइस हम लोग आ चुके हैं दवाई लेने के लिए, ये देखिए ये ले रहे दवाई। गाइस ये बाहर जाने का गेट है और यहाँ से सभी लोग जाते हैं, और गाड़ी पार्किंग भी। हेलो गाइस, आज जो है हम ज़्यादा ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और इमरजेंसी में जाना पड़ गया था मुझे। मेरा जो कैंसर का इलाज चल रहा था वो जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इमरजेंसी आ गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं तो बहुत ज़्यादा ही डर गई थी कि अल्लाह ना करे अगर दोबारा से ऐसा कुछ होगा तो मैं जो है दोबारा वापस जो है नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मेरी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मेरी जो है तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तो मुझे जो है डर लगता है अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा। और मेरे घर वाले भी सब लोग डर रहे थे, पर अल्लाह का हुक्म है, अभी तो कुछ नहीं आया। पर मेरे को अभी परसों दोबारा से डॉक्टर ने बुलाया है ट्रीटमेंट के लिए। आप लोग प्लीज़ मेरा व्लॉग जो है देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।